पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, तलवारबाजी, स्टंट और फिर लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया जाना। पंजाब और हरियाणा के दंगाई किसानों ने अपना असली चेहरा दिखाया। वे सच में किसान नहीं, दंगाई थे और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सीमाओं में घुसे थे। पुलिस एक्शन में है और एक एक कर अब तक 15 FIR दंगाइयों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि अब पुलिस तेजी से एक्शन लेगी और सारे दंगाइयों और उनके नेताओं की गिरफ्तारी करेगी। इस बीच लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले का पता चल गया है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा किसी और ने नहीं, पंजाब के तरनतारन का ही एक शख्स है जिसने झंडा फहराया। सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया वह पंजाब के तरनतारन जिले का निवासी है। बड़ी बात यह है कि युवक की पहचान का दावा उसके कुछ रिश्तेदार ही कर रहे हैं और वे इन लोगों ने बड़े गर्व के साथ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल साइट्स पर वायरल हुए 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में झंडा फहराने वाले युवक का नाम जुगराज सिंह बताया जा रहा है, जो कि पंजाब के तरनतारन का निवासी है। वीडियो में जुगराज का एक रिश्तेदार भी दिख रहा है जो उसके पिता और दादा का परिचय कराता है। दावा है कि जुगराज ने ही दिल्ली के लाल किले पर खालसा पंथ का निशान साहिब वाला झंडा फहराया था। वीडियो में जुगराज सिंह के दादा गर्व से अपने पोते को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि ये गर्व की बात है कि पूर्व में विजय का खालसा ध्वज लाल किले पर फहराया था, अब 2021 में एक और विजय का झंडा लहराया गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में अलग अलग थानों में देर रात तक 15 FIR दर्ज की। इसमें बलवा समेत तोड़फोड़ और पुलिस कर्मचारियों की पिस्टल लूट जैसे मामले शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की परेड पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जैसे जंग का मैदान बना दिया। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव और कुछ किसानों ने लाल किले पर अपना झंडा लगा दिया। लाल किले के पास कई पुलिस कर्मियों ने दीवार से कूद कर अपनी जान बचाई। इससे पहले दिन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा और पुलिस के साथ झड़प की। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। हिंसा में 150 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। दूसरी तरफ ITO में एक प्रदर्शनकारी का ट्रैक्टर पलट गया जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर मोर्चा के साथ दिल्ली पुलिस की कई दौर की बैठकें हुई थी। बयान के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब 8:30 बजे से 6,000 से 7,000 ट्रैक्टर्स सिंगु सीमा पर एकत्रित हुए। पहले से निर्धारित रास्तों पर जाने के बदले उन्होंने मध्य दिल्ली की ओर जाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि बार बार गुजारिश करने के बावजूद निहंगों की अगुवाई में किसानों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स को तोड़ दिया। गाजीपुर और टिकरी सीमा से भी इस तरह की घटनाओं की सामने आई खबरें। बयान में कहा गया कि ITO पर गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से आए किसानों ने एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो किसानों का एक वर्ग हिंसक हो गया। उन्होंने अवरोध तोड़ दिए, वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस भीड़ को हटाने में कामयाब रही। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से तय शर्तों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सिंघल ने कहा कि किसानों ने तय समय से पहले ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी। उन्होंने हिंसा और तोड़फोड़ भी की। उन्होंने कहा कि हमारे वादे के अनुरूप सभी शर्तें मानी और अपनी ओर से पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।